Hello everyone, myself Dr. Upasana Pandey. I am Associate Professor in IMS Engineering College. In this session, I would cover the topic linked list. Before going into the deep understanding of the linked list, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि why we are using this data structure. क्योंकि linear data organization के लिए already हम array का use कर रहे थे. जब array का use कर रहे हैं तो हमें linked list को use करने की ज़रूरत actually क्यों पड़ी? तो जो disadvantages हैं arrays के, those inspired us to use the linked list. पहली डिसएडवांटेज क्या है? एरेज फॉलोज द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये हो गया कि अगर हमने एरे साइज फिक्स कर दिया है तो उसमें हम रन टाइम पे चाहें कि हम कोई नई डेटा वैल्यू जो है, नया आइटम जो है वो इंसर्ट कर लें, और हमारे पास ऑलरेडी वो फिक्स साइज फुल हो चुका है तो हम नया कोई आइटम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते डायनेमिक टाइम पे, रन टाइम पे. दूसरा इशू ये है कि अगर सपोज हमारे पास स्पेस है भी, अभी हमने अगर एरे साइज 10 डिफाइन किया था और हमने उसमें 5 या 6 एलिमेंट्स ही डाले हैं, तो इन दैट केस हमें कोई नया एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है कहीं इन बिटवीन लोकेशन में, तो उस केस में इंसर्शन या डिलीशन एरे में बहुत ज़्यादा इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है इन बिटवीन लोकेशन से, तो ये दोनों ही जॉब जो है हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक एरे बनाई है 5 ब्लॉक्स की और हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स डाल दिए हैं, लेकिन हमें लगता है बाद में कि हमें कोई एक एलिमेंट है जो इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है जहाँ पे 4 ऑलरेडी स्टोर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इसे इस इंडेक्स पे, जो ए की ये इंडेक्स बन रही है, ये ए 0 होगी, ये ए 1 होगी, ये ऐसे ही 2 होगी और ये 3 होगी, यानी A3 पे अगर हमें लगता है कि हमें कोई डेटा आइटम डालना है और अगर हम इसे डायरेक्टली डाल देंगे तो इन दैट केस जो 4 है, 4 यहाँ से हमारा चला जाएगा, बिकॉज़ जो भी हम नया डेटा आइटम डालेंगे दैट विल बी ओवर रिटन हीयर. तो फिर क्या करें? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पहले 4 को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा. 4 को आगे शिफ्ट करने के बाद हम जो सी भी नया डेटा आइटम डालना चाहते हैं उस डेटा आइटम को हम इस लोकेशन पर डाल सकते हैं. सेम एज अगर डिलीशन करना है, सपोज हमें लगता है कि हमें जो ये वाला डेटा आइटम है इसको डिलीट करना है यहाँ से, तो हम कर दें, कोई इशू नहीं. हमने जब इसे डिलीट किया तो अब इसे स्पेस को हम खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे तो इसमें कोई गार्बेज वैल्यू आ सकती है. तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा? जो बाद के ब्लॉक्स में एलिमेंट्स पड़े हैं उनको एक 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 ब्लॉक आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा. यानी इंसर्शन अगर करना है इन बिटवीन लोकेशन पे तो एक एक एलिमेंट को आगे की तरफ खिसकाना पड़ेगा, हर एलिमेंट एक ब्लॉक आगे खिसक जाएगा. यानी इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स एरे में पड़े होंगे उन सब को एक एक करके आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा. ऐसे ही डिलीशन में, अगर बीच में से डिलीट कर दिया तो फिर, अगर बीच में से डिलीट किया तो जितने भी आगे एलिमेंट्स पड़े हैं उन एलिमेंट्स को एक एक ब्लॉक, हर एक एक एलिमेंट को एक एक ब्लॉक आगे की तरफ, प्रीवियस की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा. तो इसीलिए बोला जाता है कि एरे में इंसर्शन और डिलीशन दोनों जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. जो तीसरा इशू आता है कि एरेज ओनली स्टोर्स द होमोजीनियस डेटा. केवल आप एक ही तरह का डेटा टाइप एरे में स्टोर कर सकते हैं. अगर आप एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है स्टोर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में तो स्टूडेंट रोल नंबर भी आएगा, स्टूडेंट फर्स्ट नेम भी आएगा, उसका लास्ट नेम भी आएगा, उसके फादर का भी नेम आएगा, तो इन दैट केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ द एरे. उस केस में हम एरे का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एरेज ओनली कंटेन्स आइटम्स ऑफ द सेम डेटा टाइप. सेम डेटा टाइप के आइटम्स को एरे जो है वो कंटेन करता है. तो ये सारी जो ड्रॉबैक्स थी, दोज इंस्पायर्ड अस टू यूज़ द लिंक्ड लिस्ट. What is the linked list? It is a linear collection of the data elements called nodes, where the linear node is given by means of the pointer. जो हम कह रहे हैं ना कि ये linear collection of data elements है, तो linear collection of data elements कैसे कहला रहा है? पहली बात तो linked list जो है वो dynamic memory allocation follow करता है, तो that means यहाँ पे contiguous memory allocation का concept apply नहीं होता जो कि arrays में apply हो रहा था. तो इन दैट केस फिर कैसे होगा? ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मेमोरी में जहाँ पे भी स्पेस खाली है वहाँ वो स्पेस हम यूज़ कर लें, और वो स्पेस यूज़ करने के बाद हमें दूसरा डेटा एलिमेंट अगर उसमें इंसर्ट करना है, दूसरा डेटा एलिमेंट और हमें आगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में लाना है, तो ऑब्वियसली जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है तो दूसरा कहीं पर भी जहाँ जगह मेमोरी में खाली होगी वहाँ पर वो डेटा एलिमेंट जाके स्टोर हो जाएगा. तो फिर ये लीनियर
ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेगा? ये लीनियर ऑर्डर को इस तरह से मेंट करता है कि जो हम लिंक लिस्ट को नोड के फॉर्म में क्रिएट करते हैं और उस नोड में दो फील्ड्स होती हैं. पहली नोड तो इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है, लेकिन जो उसकी दूसरी नोड है, उस नोड का जो दूसरा पार्ट है, वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करता है. वी कैन सी हियर कि यहाँ हमारे पास एक नोड है और इस नोड में एक पार्ट में इस नोड को हमने दो में डिवाइड कर दिया. हम चाहें तो और भी डिवीजन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम उस नोड में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं. फिलहाल अभी हमने एक नोड क्रिएट करना चाहते हैं, हम सिंगल लिंक लिस्ट या लिंक लिस्ट का क्रिएशन करना चाहते हैं. अभी सिंगल का नाम ही नहीं लेते क्योंकि वो टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे. तो लिंक लिस्ट के लिए नोड का यूज़ करना पड़ेगा. नोड का यूज़ करके हम लिंक लिस्ट बनाते हैं और इस नोड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक पार्ट जो है इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है और जो उसका दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन कर रहा है. इस तरह से हम जो ये चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे, जो हमने ये लाइन लिखी है कि लीनियर ऑर्डर इज़ गिवन बाय द मीन्स ऑफ पॉइंटर. ये जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे, उसमें हम क्या स्टोर करेंगे? नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे. रीज़न, ये नोड मेमोरी में कहीं भी जहाँ पे भी जगह खाली है, जो भी अवेलेबल स्पेस लिस्ट है, उसमें से वो पार्ट जो है मेमोरी का दे दिया जाएगा इस नोड के क्रिएशन के लिए. ऐसे ही सेम एज दूसरी नोड भी है, दूसरी नोड के लिए भी जहाँ पे भी अवेलेबल स्पेस होगा वहाँ पे इस नोड को क्रिएट कर दिया जाएगा, वहाँ पे इस नोड की स्टोरेज कर दी जाएगी. तो फिर इनमें आपस में हम लीनियर ऑर्डर मेंटेन कैसे करेंगे? लीनियर ऑर्डर मेंटेन होगा इस नोड का पॉइंटर नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन कर रहा होगा. तो इस तरह से हम सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज सिक्वेंशियल नहीं है, लेकिन जो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका एक्सेस है, जिस तरह से हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, वो ऑर्डर हमारा जो है वो लीनियर है, वो ऑर्डर हमारा सिक्वेंशियल है. सो ईच नोड इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट एंड द सेकेंड पार्ट कॉल्ड द लिंक फील्ड और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट. दिस इज कॉल्ड एज द लिंक लिस्ट. एडवांटेजेस क्या हैं लिंक लिस्ट के, हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली एरे के ऊपर जो है, एरे को छोड़ के हम लिंक लिस्ट को यूज़ करने आए हैं, तो उसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम था कि वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ही केवल फॉलो करता था. लिंक लिस्ट आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स, दे फॉलो द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. दे कैन ग्रो और श्रिंक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे आप नए नए डेटा एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग डेटा एलिमेंट्स हैं उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं. एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी इज़ नॉट प्री अलोकेटेड. हमें नहीं पता है कि हमें कितने डेटा एलिमेंट्स इंसर्ट हम करने वाले हैं, तो इन दैट केस हमने पहले से, जैसे एरे में करते थे कि हमने साइज़ फिक्स कर लिया, अब हम उतना यूज़ करें या ना करें उसका साइज़ फिक्स है. हमने एरे का साइज़ 10 फिक्स कर दिया और उसमें एलिमेंट हम 5 ही डाल रहे हैं, तो बाकी के जो 5 की स्पेस है, अगर इंटीजर डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बाकी के 5 के लिए 10 बाइट्स अलोकेट हो चुके हैं, वो 10 बाइट्स हमारी वेस्ट हो जाएंगी. लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मेमोरी पहले से प्री अलोकेटेड नहीं, मेमोरी अलोकेट नहीं करी गई. दिस इज़ नॉट प्री अलोकेटेड एंड इट इज़ डी अलोकेटेड व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड. और जब इसको ज़रूरत नहीं है, जब उस मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, उस नोड की इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम डिलीट कर चुके हैं, तो उस अवेलेबल उस स्पेस को जो है वो हम फ्री लिस्ट में अवेलेबल करा देते हैं. रीज़न कि अभी हम ज़बरदस्ती उसे लेके नहीं बैठेंगे कि हमने ज़बरदस्ती उसे ऑलरेडी हमारा, ठीक है कोई बात नहीं, इन फ्यूचर जो है हम इसमें फिर से कोई डेटा आइटम जो है वो इंसर्ट करेंगे तो नो इश्यूज़. ये इन फ्यूचर जब हमें डेटा आइटम इंसर्ट करना है तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की वजह से हमें ये फैसिलिटी मिलेगी कि जब भी हम नया डेटा आइटम ऐड करना चाहते हैं हम उस लिंक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. तो जो नोड फ्री हो गई है, जिस नोड में डेटा आइटम नहीं है, उस नोड को हम वापस अवेलेबल लिस्ट को दे देते हैं, उसको हम दूसरे उसके लिए पर्पस के लिए अवेलेबल करा देते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी? एक तो मोर मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड. मोर मेमोरी क्यों रिक्वायर्ड हो रही है? ये ठीक है कि जब ज़रूरत पड़ रही है हम तब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ रही है तो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. रीज़न कि एक तो हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर ही रहे हैं, उसके अलावा एक हम पॉइंटर भी स्टोर कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम ये कहते हैं कि फिर हमें मोर मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है. जब ज़रूरत है तभी नोड बनाएंगे, लेकिन जब नोड बनाएंगे तो हम मेमोरी उस वक्त ज़्यादा यूज़ करेंगे.
ऐसे ही अगर हमें किसी आर्बिट्री डेटा आइटम को एक्सेस करना है, मतलब हम इन बिटवीन किसी डेटा आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली उस डेटा आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि एरे में हम ये कर सकते थे। हम डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू लिखते थे और इंडेक्स वैल्यू को उसी इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से उस ब्लॉक में जो डेटा स्टोर है वो वहाँ से हम रिट्रीव कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको इन बिटवीन का कोई डेटा चाहिए, आपको ट्रैवर्सल फर्स्ट नोड से ही करना पड़ेगा। रीज़न क्या है उसका, अगर प्रीवियस उस पर जाएँ तो देख सकते हैं हम कि अगर हमें आगे आगे ट्रैवर्स करते हुए जाना है, हमारा एलिमेंट मान लो अभी तो यहाँ दो नोड है, हो सकता है आगे और भी बहुत सारी नोड्स होती, फिर उस केस में क्या होता अगर आगे बहुत सारी नोड्स है और हमें कहीं इन बिटवीन का डेटा जो है वो एक्सेस करना है। ध्यान रखिएगा, हमें ट्रैवर्सल जो है हमेशा पहली नोड से ही करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग, पहली नोड के पास ही दूसरी नोड का एड्रेस है, दूसरी नोड के पास ही नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, तो आपको जिस डेस्टिनेशन नोड पे जाना है वहाँ तक पहुँचने के लिए लिंक्ड लिस्ट में आपको शुरू से ट्रैवर्सल करना पड़ता है। तो अगर इन बिटवीन यानी कोई आर्बिट्री डेटा आइटम आपको एक्सेस करना है तो उस केस में यहाँ पर ये एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स जॉब हो जाता है। एप्लीकेशंस क्या हैं, लिंक्ड लिस्ट को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब स्टैक और क्यू की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब हम लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्टैक क्यू को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू करना चाहते हैं तो हम उस केस में लिंक लिस्ट का यूज़ करेंगे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की जो भी चीज़ें हैं, जो भी एप्लीकेशंस जो हैं वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को फॉलो करती हैं, वो डायनेमिक मेमोरी उस केस में हम लिंक लिस्ट का यूज़ यहाँ पे करेंगे। देन इमेज व्यूअर, प्रीवियस एंड नेक्स्ट इमेजेस आर लिंक्ड, हेंस कैन बी एक्सेस्ड बाई नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन। जो इमेजेस हैं, प्रीवियस और जो नेक्स्ट इमेजेस हैं उनको भी, जो उन डेटा को जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सेव करते हैं, उसके लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज इन द वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र के नेक्स्ट पेज पर जाना है या उसके प्रीवियस पेज पर जाना है तो भी हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। म्यूज़िक प्लेयर, सॉन्ग्स इन म्यूज़िक प्लेयर, हम सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट वाला गाना सुनने लगता है, और अगर हमें प्रीवियस सॉन्ग सुनना है तो हम प्रीवियस बटन क्लिक करते हैं। तो इस तरह से जो डेटा का स्टोरेज किया जा रहा है, यानी जहाँ पे भी आपको लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप लिंक लिस्ट का यूज़ कर लेते हैं। अब लिंक लिस्ट का जो पहला टाइप है दैट इज़ द सिंगल लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक्चुअली तीन तरीके की होती है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। यहाँ पे अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट की। सिंगल लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, एक लिंक लिस्ट जो है वो हम बनाते कैसे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नोड क्रिएट करनी पड़ती है। हम कहते हैं कि हम लिंक लिस्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बाय यूजिंग नोड्स करेंगे, हम नोड्स बनाएंगे। तो नोड्स बनाने के लिए, जैसा कि हमें पता है कि अगर हम सी यूज़ कर रहे हैं तो सी में एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है, और उस स्ट्रक्चर डेटा टाइप का क्या रोल है कि वहाँ पर अगर आप वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स के आइटम्स को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सपोज़ हमें स्ट्रक्चर का यूज़ यहाँ पे क्यों करना पड़ेगा, रीज़न हम जो नोड बना रहे हैं, अभी तो ये जानने की ज़रूरत है कि हम स्ट्रक्ट यूज़ क्यों कर रहे हैं। जो हम नोड बना रहे हैं उसमें हम दो तरह का डेटा मिनिमम रख रहे हैं, एक तो हम इन्फो सेव कर रहे हैं, इंटीजर हो सकता है तो हमने इन्फो कर दिया कि एक पार्ट तो उसका इन्फो सेव कर रहे हैं, लेकिन उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कोई पॉइंटर डेटा टाइप यूज़ करेगा। रीज़न उसको क्या स्टोर करना है, उसको नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना है। तो ये दोनों तरीके के जो डेटा टाइप हैं वो क्या हो गए, वो अलग अलग हो गए। जो दोनों पार्ट्स में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं वो अलग अलग हो गए, राइट। तो उस केस में हमें यहाँ पे स्ट्रक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रक्ट का यूज़ करके हमने कहा स्ट्रक्ट नोड, ये तो आपने एक तरह से आपको पता होगा स्ट्रक्चर इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो हम यहाँ पे नोड एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं जिसमें हमने कहा इंट इन्फो, दैट मीन्स एक तो इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर वैल्यू जो है स्टोर होगी, नंबर्स स्टोर होंगे, राइट। दूसरे पार्ट में, उसके दूसरे पार्ट में क्या आएगा, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक लिंक। ये लिंक क्या कर रहा है, एक तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें पॉइंटर टाइप वेरिएबल बनाना है तो उसके आगे हमें एस्ट्रिक लगाना पड़ता है, और इस लिंक का रोल ये है कि ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगा। नेक्स्ट नोड के एड्रेस ऑब्वियसली अगर इंटीजर जो वेरिएबल है उसके लिए आप पॉइंटर बनाते हैं तो आपको इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर भी बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू का जो है एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि नोड क्या है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप
फॉलो कर रहा है नोड, जब वो स्ट्रक्चर डेटा टाइप फॉलो कर रहा है तो यानी लिंक को भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने लिखा स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि स्ट्रक्ट नोड एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है और लिंक इसी नोड के एड्रेस को कंटेन करने वाला है। तो हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक लिंक एंड देन हमने ये स्ट्रक्चर क्लोज कर दिया। तो नाउ वी हैव मेड अ नोड, एक नोड है जिसका टाइप स्ट्रक्चर है, इसका दो पार्ट है, यहाँ पे इन्फो स्टोर हो रहा है और यहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर हो रहा है और इसको हमने कहा दिस इज द लिंक, राइट। सो टाइप डिफ स्ट्रक्ट नोड एंड देन नोड, हमने इसे क्यों किया, टाइप डिफ का यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें बार बार जब भी इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यूज करना है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड। तो स्ट्रक्ट यहाँ पे दो लिखने के बजाय, दो वर्ड्स में लिखने के बजाय इसे टाइप डिफ का यूज करके हमने सिंगल क्या कर दिया, एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें स्ट्रक्ट नोड जहाँ भी यूज करने की जरूरत पड़ती वहाँ पे हम सिर्फ नोड लिख देंगे, राइट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट नोड हम क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट नोड क्रिएट करने के लिए हमने कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, जो अभी हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है दैट इज द नोड, नोड एस्ट्रिक फर्स्ट। नोड एस्ट्रिक फर्स्ट मतलब हमारे पास एक नोड वेरिएबल आ गया, नोड वेरिएबल हमारे पास एक आ चुका है, ठीक है। लेकिन इसको मेमोरी में, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है तो इसे मेमोरी में हमें स्पेस भी दिलानी होगी। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए एक फंक्शन यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज द मैलॉक। मैलॉक फंक्शन का क्या काम है, मैलॉक फंक्शन का ये काम है कि डायनेमिक टाइम पे इस नोड को वो एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो मोनोड की एड्रेस जब प्रोवाइड कर सॉरी साइज प्रोवाइड करेगा, मैलॉक का काम है कि वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इस नोड को जो है वो साइज प्रोवाइड करेगा। अब साइज प्रोवाइड करेगा तो कितना साइज प्रोवाइड करे उस नोड को, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि वो कितना साइज देगा। तो उसको उतना साइज प्रोवाइड करना है जितना हमने डेटा टाइप नोड बनाया है। तो हमने यहाँ साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया कि नोड का जितना भी साइज है मैलॉक फंक्शन के थ्रू उतना साइज फर्स्ट को अलोकेट कर दिया जाए, इतना साइज फर्स्ट को अलोकेट कर दिया जाए मेमोरी के अवेलेबल स्पेस में। लेकिन एज वी नो कि जो मैलॉक फंक्शन है, मैलॉक फंक्शन आपको वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है और हमें पॉइंटर यहाँ वॉइड नहीं चाहिए, हमें पॉइंटर यहाँ पे कैसा चाहिए, जो हमने अभी डेटा टाइप बनाया है दैट इज़ द नोड, नोड टाइप का हमें पॉइंटर चाहिए। तो हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी और उस टाइप कास्टिंग को करने के लिए हमने सिंपली सिंटैक्स लिख दिया नोड एस्ट्रिक। तो अब ये लाइन जो है वो क्या कर रहा है, जो आपने फर्स्ट नोड क्रिएट किया है इस फर्स्ट नोड को रन टाइम में मैलॉक फंक्शन नोड के साइज का स्पेस अवेलेबल करा देगा बाय यूजिंग द टाइप कास्टिंग, राइट। तो हाउ वी कैन क्रिएट अ नोड, एक नोड का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है, लिंक लिस्ट में हम नोड्स का यूज करेंगे और उस नोड का रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर रहे हैं दैट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस स्लाइड। नाउ अब इस पे लिंक लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसमें नया डेटा इंसर्ट करते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं, मतलब पूरी लिस्ट को हम एक बार ट्रैवर्स करते हुए उसके डेटा एलिमेंट्स को रीड आउट करते हैं। अगर हमें कुछ सर्चिंग करनी है, किसी डेटा आइटम की लोकेशन को सर्च करनी है या डेटा आइटम को सर्च करना है, दो लिंक लिस्ट को हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं एज वेल एज उसमें जो भी डेटा आइटम्स हैं उसको हम वहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो एक गार्बेज कलेक्शन की भी बात करते हैं। गार्बेज कलेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर मे पीरियोडिकली कलेक्ट ऑल द डिलीटेड स्पेसेस। जिन स्पेसेस की अब ज़रूरत नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम पीरियोडिकली उन सारे अवेलेबल स्पेस को कलेक्ट करके एक फ्री स्टोरेज लिस्ट बना देता है और ड्यूरिंग आवर डिस्कशन ऑफ ऑल द एल्गोरिदम उस लिस्ट को हम बोल रहे हैं अवेल, वी आर कॉलिंग इट अवेल, हम इसे अवेल बोलेंगे। तो डिलीटेड स्पेस ऑन टू द
फ्री स्टोरेज लिस्ट। गार्बेज कलेक्शन का काम ये है कि जितने भी डिलीटेड स्पेस हैं, जितने भी फ्री स्पेस हैं, उनकी एक फ्री स्टोरेज लिस्ट बना दी जाए, ताकि जब भी डायनेमिक टाइम पे ज़रूरत पड़े, इस लिस्ट में से हम उस जो फ्री स्टोरेज है उसको हम एक्सेस कर सकें। जब लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो एक ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन भी हमें पता होनी चाहिए कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है। Sometimes new data are to be inserted into a data structure, but there is no available space. That means free storage list is empty. यानी हमारे पास अभी कोई भी space खाली नहीं है। हम dynamic time पे linked list में एक और data item डालना चाहते हैं, लेकिन जब हम avail वाली list check करते हैं जो कि free storage list है, वहाँ पे कोई भी जो वो है फ्री स्पेस है वो अवेलेबल नहीं है। फ्री स्टोरेज लिस्ट जो है वो आपकी दैट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, उसमें अभी वहाँ से यानी दैट मीन्स हमारे पास कोई स्टोरेज बचा नहीं हुआ है। दिस सिचुएशन इज़ यूजुअली कॉल्ड द ओवरफ्लो। इस सिचुएशन को ओवरफ्लो कहा जाता है। सेम एज एक अंडरफ्लो की सिचुएशन भी आती है। व्हाट इज़ द अंडरफ्लो? हम किसी डेटा स्ट्रक्चर में से कोई डेटा डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन वो डेटा स्ट्रक्चर नल है, उस डेटा स्ट्रक्चर में अभी कुछ है ही नहीं। Where one wants to delete data from a data structure that is empty, एक ऐसा data structure जो कि अभी खाली पड़ा है और उसमें से हम किसी data item को delete करना चाहते हैं, this condition is called as the underflow. तो जब भी linked list का हम creation करेंगे तो उस वक्त हमें linked list जब form करेंगे, creation करेंगे, उसकी implementation करेंगे, तो ये दो situations का हमें ध्यान रखना होता है। सो अब सबसे पहले पहला ऑपरेशन आ जाता है कि लिंक लिस्ट हम क्रिएट कैसे करेंगे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल लिंक लिस्ट, ओनली सिंगल लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का क्रिएशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, अवेल लिस्ट अगर हमारी खाली है, अवेल लिस्ट अगर हमारे अवेल लिस्ट में अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, दैट्स नॉट खाली, खाली का मतलब कि अवेल लिस्ट एम्प्टी हो गई है, तो दैट मीन्स हमारे पास फ्री स्टोरेज नहीं है। तो जब फ्री स्टोरेज नहीं है तो हम कोई नई नोड क्रिएट नहीं कर सकते। फिर उस केस में सबसे पहले क्या होगा कि अगर अवेल लिस्ट में हमारे पास स्पेस है, खाली नोड्स पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से एक खाली नोड उठा के हमने किसके अंदर डाल दिया, पीटीआर के अंदर। ध्यान रखिए यहाँ पे हम एल्गोरिदम्स डिस्कस कर रहे हैं, ना कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके सिंटैक्स। तो हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि एल्गोरिदम्स किस तरह लिखी जाएंगी जब भी हम कोई ऑपरेशन लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, लिंक लिस्ट का क्रिएशन कर रहे हैं। लिंक लिस्ट क्रिएशन में हम पहली नोड तब बना पाएंगे, पहली नोड हमारी तब बनेगी जब अवेल लिस्ट में से हमें एक नोड मिल जाती है। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये अवेल लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें आपके पास नोड्स पड़ी हुई हैं। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट ही है। इसके पास इसका एड्रेस होगा, इसके पास इसका एड्रेस होगा, इसके पास इसका एड्रेस होगा। ये खाली नोड्स हैं जिनका कोई यूज़ अभी कहीं कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो दीज आर द फ्री नोड्स दैट वी कैन यूज़ अपनी लिंक लिस्ट क्रिएशन के लिए, हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि पी टी आर इज इक्वल टू अवेल, यानी अवेल अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस जगह पर पॉइंट कर रहा है, और हमने कहा कि ये नोड भाई हमें दे दो। इस नोड को हमने ले लिया और हमने कहा कि ये पी टी आर हो गया, इस नोड को हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो दैट मीन्स ये नोड अभी क्या है, खाली अब नहीं है। और जैसे बाकी नोड्स में भी, तो ऑब्वियसली इसका इसमें किसका, नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस है, यानी यहाँ इसके लिंक में नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस है। तो हमने कहा कि अवेल से एक हमने नोड बना लिया है पीटीआर, एक नोड हमारे पास आ गया पीटीआर। इस पीटीआर में इन्फो रीड कर लो, इन्फो यानी हमें ये लिंक लिस्ट है इसके इस पार्ट में इन्फो रीड कर लिया हमने। सपोज उसने यूज़र ने दे दिया 10, ये पी टी आर आपकी एक लिस्ट बनी है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमने एक पी टी आर बनाया। ये पी टी आर कहाँ से हमने लिया, ये पी टी आर हमने अवेल से लिया, अवेल से हमने पी टी आर लिया, और इसके इन्फो पार्ट में हमने 10 को स्टोर कर दिया। इन्फो वी हैव रेड, पढ़ चुके हम, इसमें हमने रीड कर लिया है, राइट। अब उसके बाद इस पी टी आर, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट है, तो इसका एड्रेस इसके पास होगा, इसका एड्रेस इसके पास होगा, तो इसका एड्रेस किसके पास होगा, ये तो फर्स्ट नोड है, तो इसका एड्रेस भी किसी के पास हमें रखना पड़ेगा। तो इसका एड्रेस हमने एक ग्लोबल
वेरिएबल जो है वो फर्स्ट बना रखा है, ग्लोबल वेरिएबल फर्स्ट बना रखा है. इट विल बी अवेलेबल टू ऑल प्रोसीजर्स. हम जिन भी ऑपरेशंस के लिए प्रोसीजर्स लिख रहे हैं या फंक्शंस लिख रहे हैं, उन सब के लिए ये जो फर्स्ट वाले, फर्स्ट में जो भी एड्रेस होगा यानी पहली नोड का एड्रेस होगा, ये सब के लिए अवेलेबल होगा. तो हमने यहाँ पर ये किया कि फर्स्ट में जब हम क्रिएट कर रहे हैं उसी वक्त पहली नोड का एड्रेस हमने फर्स्ट को दे दिया. तो वी हैव रिटन हियर फर्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर, राइट. सो ये हो गया कि हमारी पहली नोड पीटीआर बन गई, उसमें हमने इन्फॉर्मेशन रीड कर ली और इस नोड का, पहली नोड का एड्रेस हमने फर्स्ट के अंदर डाल दिया. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये तो पहली नोड है. हो सकता है यूज़र लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा है तो एक से ज़्यादा नोड्स क्रिएट करे, एक से ज़्यादा डेटा आइटम्स को इनपुट करे. तो हमने एक जो है वेरिएबल लिया सी एच और उसके अंदर वाई जो है डाल दिया कि येस, कंडीशन इज येस, कंडीशन इज येस. तो स्टेप थ्री पे आते हैं, रिपीट स्टेप फोर टू फाइव व्हाइल सी एच इज इक्वल टू येस. जब तक यूज़र, यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ पूरा, जब तक यूज़र उसमें येस करता रहेगा तब तक नई नई नोड्स क्रिएट होती रहेंगी. अब उसको पहली बार सी एच में येस मिला तो यहाँ पे क्या हुआ, सी पी टी इज इक्वल टू अवेल. अब क्योंकि एक नई नोड और बनानी है, उसने कहा पहली नोड बन गई, वेल एंड गुड, पी टी आर बन गया, बहुत बढ़िया. अभी एक नोड और बनानी है, यूज़र अभी एक नोड और बनाना चाहता है, तो उसके लिए हमने एक और वेरिएबल ले लिया, दैट इज़ द सी पी टी. सी पी टी लिया हमने, इसे वेरिएबल कहें या पॉइंटर बोलें, एज यू विश, आप बोल सकते हैं. तो सी पी टी हमने जो एक नया जो है वेरिएबल ले लिया और उसमें हमने क्या किया, अवेल. अवेल से अब अवेल तो यहाँ पहुँच चुका है क्योंकि ये तो पी टी आर में चला गया, तो अवेल कहाँ पर आ चुका है, अवेल यहाँ पर आ चुका है, राइट. अवेल जब यहाँ पे आ गया तो अब ये वाला जो फ्री स्पेस है उसका यूज़ करते हुए हमने एक नोड और बना दी, दैट इज़ द सी पी टी. सी पी टी की जो नोड बनाने के बाद ही हमने क्या किया, अब तो ये नोड भी, ये जो ये स्पेस था ये नोड भी चली गई, तो अवेल को अब क्या करें, अवेल को अब नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट कर दें. तो हमने कर दिया अवेल इज इक्वल टू अवेल लिंक. अवेल के लिंक में जिस नोड का भी एड्रेस है उसको अवेल बना दीजिए. तो अवेल के नेक्स्ट में किसका एड्रेस, लिंक में किसका एड्रेस है, इसके लिंक में नेक्स्ट नोड इसका एड्रेस है. तो अवेल कहाँ पहुँच गया, अवेल यहाँ पे पहुँच गया अब. और ये स्पेस, अब इस स्पेस को हम क्या बुला रहे हैं, इस स्पेस को अब हम सी पी टी बुला रहे हैं. सी पी टी के इन्फो पार्ट में, ये तो पी टी आर बना था, अब सी पी टी का जो है सी पी टी नोड बन गया. सी पी टी के नोड में इन्फो पार्ट में फिर से हमने यूज़र से डेटा रीड कर लिया. डेटा रीड करने के बाद हमने कहा कि पी टी आर के लिंक में सी पी टी को डाल दो. तो इससे क्या हुआ, पी टी आर के लिंक में सी पी टी का जो भी एड्रेस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पॉइंटर टाइप, यहाँ पे क्या, ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, राइट. तो इस पॉइंटर टाइप वेरिएबल में क्या होगा, सी पी टी का एड्रेस जाके स्टोर हो जाएगा, राइट. और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेइंग पी टी आर इज इक्वल टू सी पी टी, यानी अब सी पी टी क्या बन चुका है, अभी सी पी टी ना होके ये क्या बन गया, दिस हैज़ बिकम पी टी आर. अभी पी टी आर में ये नहीं है, ये वाली नोड पी टी आर नहीं है, अब कौन सी नोड है, पी टी आर इज दिस नोड नाउ, राइट. फिर आया आपने कंडीशन, आपने रीड चॉइस, आपने यूज़र से चॉइस लिया, यूज़र ने कहा येस आई वॉन्ट टू क्रिएट वन मोर नोड, तो सेम प्रोसेस फिर से अकर होगा. फिर से आप स्टेप फोर पे आएंगे, फिर से आपने अवेल में जो ये फ्री स्पेस खाली था इसको लेके एक नई नोड बनाई, उसको आपने सी पी टी कहा और अवेल को नेक्स्ट पे भेज दिया. नेक्स्ट पे भेजने के बाद अब इस सी पी टी में आपने इन्फॉर्मेशन रीड करी, उसके बाद पी टी आर के लिंक में जो अभी सी पी टी ये वाला बन चुका है आपका, जो ये सी पी टी बना उसको आपने क्या किया, उसके एड्रेस को पी टी आर के लिंक में स्टोर कर दिया. तो जब तक वो चॉइसेस को येस करता रहता है तब तक आप नोड्स को क्रिएट करते रहेंगे. जैसे ही चॉइस नो आ गई वैसे ही पी टी आर, क्योंकि पी टी आर यहाँ से शिफ्ट होते हुए वो यहाँ पहुँच चुका है, तो पी टी आर के लिंक में नल डाल दिया. नल ये शो करता है कि नाउ द लिंक लिस्ट इज एंडेड हियर, अब इसके आगे किसी नोड का एड्रेस नहीं है, तो आपकी लिंक लिस्ट यहीं पे ख़त्म हो गई. तो बाय दिस वे यू हैव क्रिएटेड अ सिंगल लिंक लिस्ट, एक सिंगल लिंक लिस्ट का क्रिएशन आपने कर दिया. अब नेक्स्ट आता है कि लिंक लिस्ट बन गई तो अभी उसका ट्रैवर्सल कैसे करना है. उसका ट्रैवर्सल बहुत ईजी है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पी टी आर इज इक्वल टू फर्स्ट किया जा रहा है. जैसे मैंने आपको बोला था कि हम जब भी कोई, जैसे अभी हमने क्रिएशन की एल्गोरिदम लिखी, तो क्रिएशन के एल्गोरिदम के लिए एक फंक्शन लिखा है, तो उसमें जो भी पी टी आर सी पी टी यूज़ किया वो उसके लोकल वेरिएबल्स थे, जबकि फर्स्ट हमारा जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, हमने उसे सबसे पहले
प्रोसीजर से पहले ही जब हमने नोड क्रिएशन के लिए इम्प्लीमेंट उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती लिखा, उसी वक्त हमने एक फर्स्ट नोड बना दी थी और हमने ये कहा था कि जब पहली नोड क्रिएट होगी तो उस पहली नोड का एड्रेस हम फर्स्ट के अंदर डाल देंगे, एंड फर्स्ट इज द ग्लोबल वेरिएबल, दैट मीन्स इट इज एक्सेसिबल टू द ऑल प्रोसीजर. अब हम एक दूसरे फंक्शन में आ जाते हैं जिस फंक्शन का काम है, जिस प्रोसीजर का काम है कि वो लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा. लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते वक्त सबसे पहले फर्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस है और उसको हमने किसके अंदर डाल दिया है, पीटीआर के अंदर डाल दिया. तो यानी ये जो पहली नोड हमारी थी, ये पहली नोड पे अब कौन पॉइंट कर रहा है, पीटीआर पॉइंट कर रहा है, राइट. अब हम स्टेप रिपीट करते रहेंगे, तब तक इस स्टेप को रिपीट करना है जब तक कि पीटीआर के लिंक में नल ना हो जाए, क्योंकि अगर पीटीआर के लिंक में नल मिल जाता है तो दैट मीन्स वो उस लिंक लिस्ट की आखिरी नोड है. इन दैट केस वाइल लिंक पीटीआर नॉट नल, प्रिंट इन्फो पीटीआर. पीटीआर में जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करी है आप उसे तब तक प्रिंट आउट करते रहेंगे, मतलब पहली बार पीटीआर यहाँ पे है तो 10 प्रिंट हो गया. फिर उसने कंडीशन चेक करी, उसने कहा कि पीटीआर के लिंक में नॉट नल आ गया क्या, नहीं आया. फिर क्या करेगा वो, फिर से पीटीआर को आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा, वो पीटीआर को आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा, आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, फिर वहाँ पे वो 20 को प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा कि पीटीआर के लिंक में नल है या नहीं. इस तरह से वो पीटीआर के इन्फो पार्ट को प्रिंट करता रहेगा और उसके लिंक में से नेक्स्ट नोड का एड्रेस लेके आगे की तरफ, आगे वाले नोड्स की तरफ ट्रैवर्स करता रहेगा. और वो तब तक ट्रैवर्स करेगा जब तक कि वो लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए. और लास्ट नोड पे कैसे पता चलेगा, जब पीटीआर के लिंक में नल आ जाएगा तो दैट मीन्स वो अपनी लास्ट नोड पे पहुंच चुका है. इन दिस वे वी कैन ट्रैवर्स अ लिंक लिस्ट. एक लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सल हम इस तरह से कर सकते हैं. नाउ अब बात आती है कि लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई, लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर दी, लिंक लिस्ट प्रिंट हो गई भाई. फिर उसके बाद अब आता है कि हमें इंसर्शन करनी है, नोड की इंसर्शन करनी है. तो नोड की इंसर्शन के लिए हम नोड तीन तरह से इंसर्ट कर सकते हैं. या तो हम बिगनिंग में इंसर्ट कर रहे होंगे, या तो नोड को हम सबसे लास्ट में इंसर्ट कर रहे होंगे, या फिर कोई एक गिवन इन्फो है और उसके बाद हमें उस नोड को इंसर्ट करना है. तो सबसे पहले इफ़ अवेल इज इक्वल टू नल देन राइट लिंक लिस्ट इज ओवरफ्लो एंड स्टॉप. अगर अवेल में नल है, अगर अवेल नल मिल जाता है दैट मीन्स फ्री स्टोरेज लिस्ट जो है वो हमारी एम्प्टी हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, उसमें अभी कोई नेक्स्ट नोड नहीं बची है जिसको हम यूज़ कर सके, तो वहीं पे लिख देंगे कि ओवरफ्लो हो गया एंड स्टॉप. अदरवाइज फिर से क्या करेंगे, अवेल से एक नोड लेंगे, उस नोड को पीटीआर उस नोड को क्या बना दिया, पीटीआर बना दिया. और उसी तरह से जैसे प्रीवियसली कर रहे थे कि अवेल को यानी स्टोरेज लिस्ट को नेक्स्ट वाली नोड पे शिफ्ट कर देंगे बाय यूजिंग द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर, दिस टाइम अवेल जहाँ पे है उसकी लिंक में नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस होगा, तो हम अवेल को नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि जो उसका अभी टॉप अवेलेबल स्पेस था जो जहाँ पे अवेल पॉइंट आउट कर रहा था वहाँ से हमने वो फ्री नोड जो है वो ले लिया है और उसको हमने पीटीआर बना दिया और उसके अंदर हमने एक इन्फॉर्मेशन रीड कर ली, राइट. तो हमारे पास एक नोड बन गई है पीटीआर जिसमें इन्फॉर्मेशन हमने रीड करी है 5, और अब इस नोड को हमें बिगिनिंग में डालना है, इस नोड को हमें सबसे पहली जगह पे डालना है. तो हम कैसे करें इसे, पीटीआर के लिंक में जो भी फर्स्ट का एड्रेस, और इसमें फर्स्ट में किसका एड्रेस है, फर्स्ट में एड्रेस है जो ये हमारी सबसे पहली नोड है इसका. तो पीटीआर के लिंक में अगर जो फर्स्ट में एड्रेस दिया है उसको हम डाल देते हैं तो अपने आप से जो ये वाली नोड है वो 10 के पहले आके जुड़ जाएगी, राइट. तो अभी सबसे पहली नोड इस लिंक लिस्ट में कौन सी बन गई, इसमें सबसे पहली नोड वो वाली बन गई जिस नोड में हमने 5 इंसर्ट किया. क्यों, क्योंकि हमने इसमें ये किया कि हमने ये नोड बनाई और इस नोड के लिंक में फर्स्ट में जिस भी नोड का एड्रेस स्टोर था वो हमने यहाँ पर डाल दिया है. जब हमने यहाँ डाल दिया तो ऑटोमेटिकली ये नोड आके इस वाली नोड से पहले जो है प्लेस हो गई. लेकिन अभी फर्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, जबकि अब ऐसा होना नहीं चाहिए. रीज़न कि ये नोड हमारी उससे पहले आके जुड़ चुकी है. तो अब हम क्या करें, फर्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर. यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने फर्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर दे दिया. तो अब इस वाली नोड का जो एड्रेस है वो किसके अंदर आ गया है, फर्स्ट के अंदर आ गया है. तो इस तरह से हम एक नोड को बिगनिंग में ही, लिंक लिस्ट के बिगनिंग में ही इंसर्ट कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस एल्गोरिदम. नेक्स्ट, अगर हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि इंसर्टिंग आफ्टर अ गिवन नोड, एक नोड है
उस नोड के बाद आपको एक नई नोड इंसर्ट करनी है। तो पहला स्टेप तो वैसा ही होगा कि हम ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि अब नई नोड क्रिएट करनी है। नई नोड क्रिएट करने के लिए हमारे पास फ्री स्पेस भी होना चाहिए। तो फ्री स्पेस है या नहीं, तो इन दैट केस अवेल, जैसे सेम कंडीशन पहले चेक करी है वैसे ओवरफ्लो की कंडीशन फिर से चेक कर ली कि जो अवेलेबल लिस्ट है कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो ओवरफ्लो आ गया, अदरवाइज हम डेटा जो नोड है वो क्रिएट करेंगे। लेकिन नोड क्रिएट करने के लिए उससे पहले हमें एक चीज़ ये भी पढ़नी कि रीड आउट करनी है कि किस नोड के बाद ये वाली नोड इंसर्ट होनी। तो उस नोड का डेटा, क्योंकि यूज़र ने कहा कि जिस नोड में 15 इन्फो है, डेटा जो है वो 15 है, उसके बाद इस वाली नोड को इंसर्ट कर दो। तो हमने डेटा में वो वैल्यू जो है वो रीड आउट कर ली कि इस नोड के बाद जिसमें इन्फो जो है वो 15 है या 20 है, उसके बाद ये नई वाली नोड जो लाके हमें इंसर्ट करनी है। जब अवेलेबल है लिस्ट हमारे पास, तो हमने फिर से जो हमारा लोकल वेरिएबल है PTR में, हमने इस प्रोसीजर का लोकल वेरिएबल है PTR, तो हमने PTR में एक नई नोड क्रिएट कर ली और सेम एज नोड क्रिएट करके उसमें इंफॉर्मेशन रीड कर ली और वो नोड हमारी बनी है। ये नोड है नई, PTR नोड बन गई है। अवेल से हमने इस नोड को ले लिया, ये नोड बन गई है। इसमें हमने इन्फो रीड किया, इन्फो आ गया 15। इन्फो यूज़र ने दे दिया कि 15 जो है वो इंसर्ट करना है, राइट। उसके बाद उसने ये भी इंफॉर्मेशन दी थी डेटा में, उसमें दिया था उसने कि 10, जहाँ पे जिसमें 10 आ रहा होगा तो 10 के बाद उसे आपको नोड को, नई नोड को इंसर्ट कर देना है। तो इतना स्टेप हम कर चुके हैं। अब हमने कहा कि CPT is equal to first हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नई नोड को तो हम PTR कह रहे हैं और इस नोड का एड्रेस जो है वो किसके पास है, इस नोड का एड्रेस है फर्स्ट के पास। तो हमने कहा कि जो ये फर्स्ट जिसको जिस भी नोड को इंडिकेट कर रहा है उस नोड को हम CPT बना देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रैवर्सल करनी पड़ेगी। तो हम फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो अभी CPT में डाल देते हैं और ये जो आपका फर्स्ट नोड है वो बन जाएगा आपका CPT। नाउ दिस इज द CPT, राइट। रिपीट स्टेप 6 व्हाइल इन्फो CPT नॉट इक्वल टू डेटा। CPT के इन्फो पार्ट में जब तक वो वाला डेटा ना आ जाए जिसको यूज़र ने इनपुट किया है कि इस डेटा के बाद जो नई वाली नोड है उसको इंसर्ट करना है, तब तक ये फॉलोइंग स्टेप्स जो हैं वो फॉलो होने चाहिए। कैसे फॉलो होंगे? CPT इज इक्वल टू लिंक CPT, यानी जब अगर ये ट्रैवर्सल कब तक चलता रहेगा, ये नेक्स्ट पे CPT कब तक जाता रहेगा, जब तक उसको वो डेटा नहीं मिल जाता। इसके CPT के इन्फो पार्ट जब तक उस डेटा के बराबर नहीं हो जाता तब तक वो CPT लिंक करके वो जो लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल करता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने कहा कि भाई ये मिल गया CPT पहली बार में ही मिल गया, सपोज़ यहाँ लिंक लिस्ट में पहली बार में ही मिल गया हमें, ठीक है, कि यहाँ पे जो है 10 है, तो 10 मिल गया और 10 के बाद फिर इसका मतलब जो नई नोड क्रिएट करी है हमने वो हमें उसको 10 के बाद इंसर्ट करना है। तो सिंपल क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे इन दैट केस, PTR के लिंक में CPT का जो है वो लिंक, CPT के लिंक में जो डेटा है वो PTR के लिंक में डाल दें। CPT के लिंक में किसका डेटा होगा? CPT के लिंक में इस वाली नोड का डेटा होगा, इस नोड का एड्रेस होगा। इस लिंक का एड्रेस हम कहाँ डाल रहे हैं? CPT के लिंक का जो एड्रेस है, जो ये है, उसको हम कहाँ डाल रहे हैं? PTR के लिंक में डाल रहे हैं, यानी इसमें इसके लिंक में इस नोड का एड्रेस है। और अब ये कहाँ कनेक्ट हो गया? ये कनेक्ट हो गया आपका यहाँ पे, राइट। इस नोड का एड्रेस किसके पास आ गया? PTR के पास आ गया। फिर उसके बाद CPT के लिंक में PTR, CPT के लिंक में आप किसको डाल रहे हैं? PTR, तो यानी इसकी लिंक में, CPT के लिंक में अभी किसका एड्रेस आ गया? जो ये नई वाली नोड आपने PTR बनाई है, इसका एड्रेस आपके CPT के लिंक में आ गया। तो इन दो प्रोसेस में आपने क्या किया, इस वाली जो नोड है, इस नोड को आपने इनके बीच में इंसर्ट कर दिया। वेरी सिंपल, दोबारा से रिपीट करती हूँ। PTR के जैसे ही डेटा मिल गया कि CPT का इन्फो डेटा के इक्वल हो गया, दैट मीन्स वो नोड हमें मिल गई
जिस नोड के बाद हमें ये नई वाली नोड इंसर्ट करनी है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होके हम नीचे आए, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, हमने कहा जो नई नोड क्रिएट करी है उसके एड्रेस वाले पार्ट में CPT के लिंक में जिसका भी एड्रेस दिया है, CPT के लिंक में इस नोड का एड्रेस दिया है, इसको उठा के आप यहाँ पे स्टोर कर दो, और CPT के लिंक में जो नई नोड आपने क्रिएट करी है उसका एड्रेस आप उठा के यहाँ स्टोर कर दो। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों नोड्स के बीच में ये नई वाली नोड जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। एंड देन इंसर्शन इनटू अ लिंक लिस्ट एट द एंड। सबसे लास्ट में अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम कैसे इंसर्ट करें, एज इट इज़ जैसे पहले हम चेक कर रहे थे, ओवरफ्लो की हमने कंडीशन चेक कर ली। ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करने के बाद हमने PTR एक नोड क्रिएट कर लिया। PTR नोड में हमने इन्फो भी रीड कर लिया, राइट? उसका इन्फो उसने कहा, यूज़र ने कहा कि 40 इंसर्ट करना, हमने वो भी यूज़ कर लिया। फिर अब क्या करें, वो चीज़ भी हो गई कि उसने वहाँ पे इन्फो भी रीड कर लिया। अब क्या करें, अब पहले तो ट्रैवर्सल करके हमें सबसे लास्ट में पहुँचना पड़ेगा। जब तक ये नोड यहाँ कनेक्ट नहीं हुई थी यहाँ पर नल था, राइट? जब तक ये नोड कनेक्ट नहीं हुई थी यहाँ पे नल था, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द नोड एट द लास्ट। जब तक ये नोड अभी हमने जस्ट बनाई और यहाँ पे नल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम ट्रैवर्सल वाली एल्गोरिदम लगाएंगे। हम शुरू से ट्रैवर्स करते हुए सबसे लास्ट में चले जाएंगे। सबसे लास्ट में हम कैसे कहेंगे, रिपीट स्टेप 5 व्हाइल लिंक CPT नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि हमने क्या किया, फर्स्ट इसे हमने CPT बोल दिया। फर्स्ट में जिस भी लिंक का एड्रेस था, जिस भी नोड का एड्रेस था, इसके लिंक में जिस भी नोड का एड्रेस था उसको हमने CPT बोल दिया है। तो अब CPT को हम तब तक ट्रैवर्स करते रहें जब तक उसके लिंक वाले पार्ट में नल नहीं मिल जाता, ठीक है? इस तरह ट्रैवर्सल करते रहें, और ट्रैवर्सल करते करते हम लास्ट में यहाँ पहुँच गए। कंडीशन जो है आपको मिल गई अप्रोप्रिएट और आप लास्ट में पहुँच गए। अब जब आप लास्ट में पहुँचे तो आप इसको ऐड कैसे करोगे, इन दैट केस हाउ यू डू, इसे कैसे करना है, CPT के लिंक में, क्योंकि CPT ट्रैवर्स करते करते कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है। CPT के लिंक में आपने जो ये नई नोड PTR क्रिएट करी है इसका एड्रेस आपने यहाँ से डाल दिया, राइट? अब जब ये जो नोड है वो तो इससे कनेक्टेड हो गई, लेकिन अभी हमें एक स्टेप और करना रह गया कि इसके लिंक में हमें नल डालना पड़ेगा। इसके लिंक में हमने नल डाला तो इसका मतलब हमारी जो ये वाली नोड थी वो लिंक लिस्ट के लास्ट में आ चुकी है, और उसके आगे अब फर्दर कोई नोड अवेलेबल नहीं है, और इस तरह से आपकी ये एल्गोरिदम एट द एंड ऑफ के लिए चल जाएगी। तो दिस इज द इंसर्शन ऑपरेशन दैट वी परफॉर्म्ड ऑन द लिंक लिस्ट। इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड कि हम कैसे लिंक लिस्ट, हाउ वी कैन क्रिएट लिंक लिस्ट, कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर। जैसे हमने प्रीवियस में रिप्रेजेंटेशन देख लिया था कि स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, और उसके बाद अवेलेबल स्पेस को चेक करते हुए, अवेलेबल स्पेस अगर हमारे पास फ्री लिस्ट में है तो उसको लेके हम किस तरह से यहाँ पे लिंक लिस्ट का क्रिएशन कर सकते हैं। इन माई नेक्स्ट लेक्चर सीरीज, इन माई नेक्स्ट वीडियो सीरीज, वी विल डिस्कस द फर्दर ऑपरेशंस ऑन द लिंक लिस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you.